कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। जय मंगल भूदाड़म बिमलाड़म नाणि दंसण मयाड़म तेलोय सहराड़म डबो सया सब से धाड़म हरिहंतों सी वाणी जिनकी कुंद कुंद सा ज्ञान है ऐसे गुरु विशुद्ध को सत सत बार प्रणाम है ऐसे गुरु विशुद्ध को सत सत बार प्रणाम है ऐसे गुरु विशुद्ध को सत सत बार प्रणाम है रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो वजायाड़म रमो लोए सब साहूणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य देव समंत्र भद्र स्वामी की, परम पूज्य दिगंबराचार्य मुनिश्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, ज्ञानियों, सर्वज्ञ ने जिसे जाना, अरहंत ने जिसे बताया और निर्ग्रंथों ने जिसे निबंधित किया, ऐसे सत्यार्थ का बोध कराने वाली माँ बागेश्वरी सदा जयवंत हो, जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। आज हमारे बहु पुण्य कर्मों का उदय है जो इस पंचम काल जैसे खोटे काल में जहाँ अज्ञ प्राणी सदगुणों को ग्रहण ना करते हुए दुर्गुणों की ओर भाग रहा है, शास्त्रों का श्रवण ना कर कर कुछ शास्त्रों को पढ़ रहा है, ऐसे काल में हमें अरहंत देशना साक्षात अरहंत स्वरूप आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के मुख से श्रवण करने का मौका मिल रहा है, यह हमारा पुण्य का उदय है। ज्ञानियों, अंतस में जिसके विशुद्धि का जागरण होता है, जिन वाणी सुनने के परिणाम उसी के होते हैं, अंतरंग की मलिनता का जब उपशम होता है, तत्वों को जानने की रुचि उसी जीव के होती है। जिस जीव ने अभी अपने संसार को और जीना है, जिस जीव का संसार अभी दीर्घ है, उसे तत्व की भाषा समझ में नहीं आएगी। वह जिनवाड़ी सुनने तो क्या, जिनवाड़ी को देखने भी नहीं आएगा। वही पुण्यात्मा जीव है जो जिनवाड़ी सुनता है। अंतस में यानी अपने अंदर आत्मा में स्वरूप की उपलब्धि की अंकुर उसी जीव के अंदर अंकुरित होंगे जिसके मिथ्यात्व का वृक्ष नष्ट हो रहा है, और जिस जीव के अभी मिथ्यात्व का वृक्ष विशालता को प्राप्त हो रहा है, वर्धमान हो रहा है, उस जीव को कभी जिनवाड़ी सुनने के भाव नहीं आएंगे। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी बृहद शंभु स्त्रोत में लिखते हैं, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम्, अर्थात जिसकी भवितव्यता अलंघनीय है, एक जीव जब
जैसे मारीच का जीव है, मारीच का जीव कितना पुण्यशाली था कि उसके समय में साक्षात आदिनाथ स्वामी थे, वो चाहता तो वहां तत्वों का उपदेश सुनकर सम्यक ग्रहण करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन भवितव्यता अभी निकट नहीं थी, उसका संसार अभी बहुत दीर्घ था। संभव शरण में जाकर भी वह वहां से भाग गया और जब काल लब्धि पक गई, जब उसकी भवितव्यता निकट आने लगी, तब उसी मारीच के जीव को शेर की पर्याय में शिकार करते हुए दो मुनिराजों ने देखा तो बोले कि हे मुनिराज, हे वनराज, क्या कर रहे हैं आप? आप भविष्य के भगवान हैं, ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। बस इतना सा कहा उन्होंने और उस सिंह के अंतस में ये बात जा लगी। उसने तभी उन मुनिराजों के सामने नियम लिया कि मैं आज से अभी से मांस का त्याग करता हूं और अणु व्रत धारण कर लिए। आज वर्तमान में फाफाडी नगर में जो महावीर स्वामी हैं, वो कोई और अलग नहीं, वही मारीच का जीव, वही सिंह का जीव है जो आज वर्तमान में महावीर के नाम से पूजा जा रहा है। आचार्य भगवान योगिंद्र देव स्वामी ग्रंथ राज श्री परमात्म प्रकाश में लिख रहे हैं कि जहां मई तहां गई। समझ में आया? इसका मतलब है जिसकी मति पवित्र होती है उसकी गति नियम से पवित्र होती है। जिस जीव की अभी वर्तमान में जिस जीव के शुभ परिणाम हो रहे हैं, निर्मल परिणाम हो रहे हैं, उस जीव की गति निश्चित नियम से सुगति होगी और जिस जीव के अंदर खोटे परिणाम हो रहे हैं, कुछ कुलुषित परिणाम हो रहे हैं, उस जीव की गति नियम से दुर्गति होगी। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और क्यों जाते हैं? या माताजी के कहने से जाते हैं, पिताजी मारते हैं इसलिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं या शौक के लिए जाते हैं? शौक के लिए जाते हैं। अगर मैंने एक मेरे पास एक बालक आया और वो बोला मुझसे, मैंने कहा ये तुम चंदन क्यों लगाए हो, तो बोला ऐसे ही शौक में। तो अगर अगली बार कोई आपसे पूछे तो आप उसे बता सकते हैं कि हम मंदिर चित्त को पवित्र करने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण घटाटोप अंधकार का नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान का एक दर्शन हमारे पूर्व भव के कोटि कोटि कर्मों को नष्ट कर देता है। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, ना कि शौक के लिए। हमारे चित्त को पवित्र करने के अगर कोई साधन है तो वो है अरहंत प्रतिमा और जिनवाणी माँ। जिनवाणी का पठन पाठन करने से हमारे चित्त में शुद्धता बनती है, मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसीलिए तो आचार्यों ने कहा है कि पंचम काल में अगर कोई सबसे बड़ा तप है तो वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय परम तपः। पंचम काल में अगर कोई, आज के समय में सबका शरीर की स्थिति सही नहीं है, क्षयोपशम कम है, तो वो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय भी 12 तपों में एक तप है, ना कि
जो उपास नहीं हो रहा है फिर भी उपास कर रहे हैं, शरीर टूट रहा है, तो ऐसे हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। आप स्वाध्याय करें, हमारे आचार्य जी को देखा है आपने, दिन भर स्वाध्याय, दिन भर स्वाध्याय, दिन भर स्वाध्याय, वो दिन भर स्वयं तपते हैं और दूसरों को तपाते हैं, और स्वाध्याय से पुण्य का आश्रय होता है, इसलिए स्वाध्याय करते रहना चाहिए। संसार में जितने भी लोग हैं, अनंत जीव हैं, इस तीन लोक में 14 राजू के अंदर अनंता अनंत जीव हैं, और सभी कैसे हैं? दुखी। आप में से कोई है जो सुखी है? दुखी कितने लोग हैं? एक दो, बस दो ही लोग दुखी हैं और बाकी सब सुखी हैं। सभी दुखी हैं। दुखी क्यों हैं कभी आपने सोचा? माताओं कभी आपने विचार किया कि मैं दुखी क्यों हूं? दुखी आप स्वयं के कारण हैं। इस संसार में कोई पर द्रव्य नहीं जो आपको सुखी दुखी कर सके। दुखी हम स्वयं के परिणामों से होते हैं। इस जीव ने अगर देव शास्त्र गुरु की भक्ति की, मुनियों को आहार दिया, स्वाध्याय किया, तो वह जीव नियम से सुखी वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा। और जो मायाचारी कर रहा है, क्रोध कसाय कर रहा है, हिंसा आदि पाप कर रहा है, वह वर्तमान में भी दुखी होगा और भविष्य में भी दुखी ही होगा। उसे सुखी करने का कोई साधन नहीं है। आचार्य भगवान ने एक बात कही थी कि प्रभावित होना पाप है, प्रभावित होना पाप है। तो हम दुखी क्यों हैं? प्रभावित होने के कारण। किससे प्रभावित हैं हम? अपने मन से, क्योंकि करते वही हैं जो करना है। फिर क्यों कर्म विपाक से डरना है? अगर कर्म विपाक से डरना है तो मत करो, जो करते हो वो करना है। हम अपने मन के अधीन होकर ना जाने क्या क्या करते हैं। मंदिर आते हैं, जिनवाड़ी सुनते हैं, लेकिन यहां सुनी और यहां ही छोड़ के चले गए। करते वही हैं जो करना है, और करेंगे तो कर्म का विपाक होगा, निश्चित है। आप करेंगे तो कर्म का असर आपको होगा और नियम से वो कर्म आपके उदय में आएंगे। तो फिर क्यों कर्म विपाक से डरना है? और अगर जो कर्म विपाक से डरते हैं तो मत करो, जो करते हो वो करना है। इसीलिए सुखी होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, सुनो उसकी जो नहीं सुनता किसी की, और मत सुनो उसकी जो नहीं सुनता किसी की। यानी जो हमारा मन है, हमें उसकी नहीं सुनना चाहिए। हम मन की सुनते हैं इसीलिए तो दुखी हैं। और सुनो उसकी जो नहीं सुनता किसी की, अर्थात सर्वज्ञ, जो सिर्फ उपदेश देते हैं लेते नहीं। ज्ञानियों, अगर आपको सुखी होना है तो इस सूत्र का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सुनो उसकी जो नहीं सुनता किसी की, और मत सुनो उसकी जो नहीं सुनता किसी की। इसी के साथ मेरा समय हो गया, और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, पंच परमेष्ठी भगवान की, श्रीमत्पुरुंगं भीरं
सबंगोग्लांचिनम जियात्रिलोकिनाथस्य साशिनम जिनसाशिनम साशिनम जिनसाशिनम साशिनम जिनसाशिनम डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु लुई सुविसाहुडुं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जडगवान शांतिना स्वामी की एक जा आठगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचिर भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचिर विराग सागर युन महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बराजते हैं तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी है ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को भूतार तत्व का भूत प्रदान किया है। आत्म अहिंसा वाचनिक अहिंसा कायिक अहिंसा चिंतन की अहिंसा इन अहिंसाओं की व्याख्या करने वाले परमात्मा ने आपसे कहा सोचने की दृष्टि को बढ़ाइए विचारने की शक्ति को बढ़ाइए वो विचारों में इतने आसक्त मत हो जाइए कि विचार विचार शून्य कर दे एक विचार में आसक्त हो जाना मिथ्यात् को बढ़ावा देना विचारों को विशालता की ओर ले जाना विचारों को विवेक के साथ उत्पन्न करना विचारों के साथ खोना नहीं है विचारों के साथ विवेक रखना है। मित्र आप विश्वास रखो आप विश्वास रखो कुरुल काव्य में आपने सुबह निर्गंत सागरी सुना कि जैसे कि जो यूं सोच रहा है कि अमुक व्यक्ति मेरा मित्र बने तो इससे मुझे लाभ क्या होगा अमुक व्यक्ति मेरा मित्र बने इससे मुझे लाभ क्या होगा ऐसा सोच करके कोई मित्र बनने जा रहा है उस मित्र को त्रिवल्लार स्वामी कह रहे हैं ये तस्कर और वैश्या के तुल्य मित्र है। इस आदमी को मित्र बना मत लेना बोले क्यों उसको तुमसे प्रीति नहीं है उसको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है आपकी सुख दुख से कोई प्रयोजन नहीं है उसे आपके धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है उसे मात अपने स्वार्थ से प्रयोजन है। ये स्वार्थ वाले संसार में प्रसिद्ध दो ही पुरुष हैं स्वार्थ वाले जगत में प्रसिद्ध प्रकाश भैया दो ही व्यक्ति हैं स्वार्थ से निहित दो ही व्यक्ति हैं जिन्हें तुम्हारे तन से प्रयोजन नहीं है जिन्हें तुम्हारे मेरे मित्र
तन से प्रयोजन नहीं, जिन्हें तुम्हारे धर्म से प्रयोजन नहीं है उन्हें मात धन की प्रीति है, तुम्हारे प्राणों से भी प्रयोजन नहीं है, उसका नाम चोर है, उसका नाम वेश्या है, जिससे तुम्हारे तन से कोई प्रयोजन नहीं, जिससे तुम्हारे मित्र शरीर से कोई प्रयोजन नहीं, जिससे तुम्हारे धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको तो मात दिखता है जहां धन बरसता है वहां वेश्या का प्रेम है, जहां धन बरसता है वहां डाकू का पहुंचना है, धन छीन लेगा और नहीं दिया तो प्राण भी छीन लेगा। ऐसे जो मित्र यूं कह रहा हूं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ऐसे मित्र को बनाना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, ऐसे मित्र को बनाना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। जब तक देश कुल जाति धर्म स्वभाव प्रीति का बोध न हो जाए तब तक हर व्यक्ति के साथ मित्रता मत कर लेना। हर व्यक्ति के साथ मित्रता मत कर लेना, नहीं तो नीरज रोना पड़ जाएगा। जिसे तुम्हारे घर के भीतर क्या रखा वो मालूम नहीं है, वो मित्र बनते ही तुम्हारे घर के कक्ष में नहीं, आंगन में नहीं, हे मित्र तुम्हारे अंदर के कमरे में पहुंचेगा और सब कुछ देख के आएगा, और जिस दिन तुम कुछ नहीं दे पाओगे उस दिन दुश्मन हो जाएगा। पहले धरण करेगा, धरण हरण करेगा, बहु बेटियों के सील का हरण करेगा, और ज्यादा हुआ तो प्राण हरण भी कर लेगा। इसलिए ज्ञानी जिसके जाति का बोध नहीं है, जिसके स्वभाव का बोध नहीं है, जिसकी परंपरा का बोध नहीं है, उसे मित्र नहीं बुलाना चाहिए। आचार्य परमेष्टि से कहा जाता है कि आप शिष्य बनाओ, उसके जाति कुल वंश का पता करो। पर्याय की प्रत्यशक्ति कुल की प्रत्यशक्ति प्रभावी होती है। यदि हम गुरु भी बनाना चाहते हैं तो पहले देश कुल जाई शुद्धा। जिसका देश शुद्ध हो, जिसका कुल शुद्ध हो, जिसकी जाति शुद्ध हो, ऐसे पुरुष को अपना गुरु बनाना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों प्रश्न करूं ना आप, ऐसा क्यों? यानी शायद आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूं। जो कीमत धरती की नहीं, जो कीमत धन की नहीं, जो कीमत स्त्री की नहीं है, पुत्र की नहीं है, मेरे मित्र स्वर्गवनता की कीमत नहीं है, वो कीमत विश्व में परम सुखदायिनी कीमत किसी की है, उसका नाम विशुद्धि है। बिना धन के, बिना धरती के, बिना कोई संपत्ति के, बिना वस्त्र के, बिना आभूषण के मुस्कुराहट आती है। सोचो ना आप, कभी ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, शरीर तप रहा है, पसीना झर रहा है, तब भी मुस्कुराहट आ रही है, ये किसके बल पर? व्यक्ति के पास यश हो और विशुद्धि हो, उसके शमशान में भी मुस्कुराहट आती है। व्यक्ति के पास विशुद्धि हो और रितेश धन्य, विशुद्धि हो यश हो, जब आपको दान देते समय मुस्कुराहट आती है, जब आपको दान देते समय मुस्कुराहट आती है, ओह मुद जी इस मित्र ने अपने घर के कोने के 1-2 लाख रुपए खर्च कर भी दिए, तब इतना मुस्कुराता गदगद होता है, क्योंकि इतनी त्याग से इतना आनंद, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके निर्गंत हो जाता है, तो कितना आनंद आता है। इसका मतलब क्या हुआ? मुस्कुराहट ग्रहण में नहीं आती है, मुस्कुराहट छोड़ने में ही आती है। जो जो त्याग करके गए हैं वे सब मुस्कुरा के गए, जो जो त्याग करके गए सब मुस्कुरा के गए हैं, और जो जो छाती पर रख के गए हैं वे रो रो के गए हैं और नीचे नरक में टपक गए बेचारे। मुस्कान नीरज,
ये मंदिर की मुस्कुराहट नहीं है आप चोरी वालों को, मुस्कुराहट इस बात की है कि छोटे से नगर में और एक 10 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए आप लोगों ने, उसके दान की मुस्कुराहट है। प्रकाश भैया इनका अध्यक्ष है ना, उसके स्वभाव में है तुरंत रोने लग जाना। कहां गया भैया इनका अध्यक्ष है ना, वो तो मालूम कब रोने लग जाए पता नहीं चलता, वो ये भी नहीं पहचान में कि रो रहा कि हंस रहा है, लेकिन आज वो भी मुस्कुरा रहा है। मित्र संसार में, विश्व में संसार का सबसे बड़ा कोई मुहूर्त है जब मेरा चित्त मुस्कुरा है, उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। कोई भी श्रेष्ठ काम करने जाओ, पत्रिकाओं को देखने के पहले अपने परिणामों को देख लेना। कोई भी मुहूर्त करने जाओ राकेश राजेश, कोई भी मुहूर्त करने जाओ, पत्रिकाओं को देखने के साथ पोथियों को देखने के पहले अपने चित्त को देख लेना, चित्त को देख लेना। आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्य मत ग्रंथ में लिखा है, संसार का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त वो होता है जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होता है। मुहूर्त श्रेष्ठ आपने निकाल भी लिया, वो मन में खिन्नता है, काम सफल नहीं हो पाएगा। चित्त प्रसन्न होना चाहिए। पंचांग जानते क्या कहलाता है? ध्रुव क्षेत्र काल भाव, ध्रुव क्षेत्र काल भाव, भाव जिसमें सुधर जाए उसका नाम पंचांग है। इसलिए भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर कह रहे हैं, भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव कह रहे हैं, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मित्र क्यों बनाते हो, विपत्ति में सहयोग करते हो। मित्र क्यों बनाते हो विपत्ति में? श्री राम ने मित्र बनाया कृतांत वक्र को, श्री राम ने मित्र बनाया कृतांत वक्र को, मरने के बाद अगली भूमि देव बना तब भी मित्रता का काम करने आया। जीवंधर कुमार ने मित्र बनाया स्वान को, जीवंधर कुमार ने एक मित्र बनाया स्वान को। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें घर में कोई नहीं रहता है, इस स्वान को ही मित्र बना के चलते। जीवंधर ने एक मित्र बनाया स्वान को, और उसके श्री करण पटल के अंदर महामंत्र नवकार सुनाया, वो मित्र वह यक्ष बना। जब जीवंधर पर आया कष्ट तो यो यक्ष सहयोग करने पहुंच गया, वही कृतांत वक्र का जीव राम का सहयोग करने आया। यानी श्री राम ने मित्र बन करके नमोकार मंत्र सुनाया बैल को, श्री राम ने मित्र बन करके नमोकार मंत्र सुनाया बैल को, वही बैल मर करके सुग्रीव हुआ, राम का कितना सहयोग किया। मित्र बनो तो ऐसा बनाओ जो इस भाव में ही नहीं अगले भाव में भी सहयोग करने आया, ऐसा मित्र बनाओ। आवश्यकता नहीं है पर्दे के बाहर आए तभी मित्र का ज्ञान हो, आवश्यकता नहीं है कि पर्दे पर आए तभी मित्र का ज्ञान हो। ज्ञानी मंदिर के कलश का, मंदिर के कलश का मित्र यदि शिखर है, अथवा यूं कहो कि शिखर का मित्र कलश है, तो मित्र वो तो सबको दिख रहा, चमक रहा है, चमक रहा है, लेकिन नींव के अंदर की ईंट को भी देखो वो दिखती नहीं है, पर कितनी बड़ी मित्र है कि सबको सिर पे रखे हुए है। नींव की ईंट की भांति यदि अध्यक्ष जी आपको कोई मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना मत। वो सत्य ये तुम छोड़ोगे क्या, वो अपने आप में इतना श्रेष्ठ है ईंट नीचे की कि तुम छोड़ने का मन भी करोगे वो छूटेगी नहीं। ऐसा मित्र मिल जाए, तुम अपमान भी करो पर उसका निर्णय है जो काम मैंने लिया है उसे छोड़ूंगा नहीं। मित्र विराजो, मित्र ज्ञानी भगवान
परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जैसे राजकुमार भैया मित्र बिगड़ने लगे तो आप शिकायत करते एक दूसरे से, मित्र अच्छा मिल जाए तो प्रशंसा करते एक दूसरे से। ये बाहर के मित्रों की चर्चा है आपके। जैसे कोई पुरुष विपरीत तुम्हारा मित्र बन जाए तो रारा जी 24 घंटे सोचते हैं ये मित्रता कैसे टूटे, क्योंकि मेरा घर उजड़ रहा है। बराबर आदमी सोचता है मेरी ये टूटे कैसे, मेरा घर उजड़ रहा है। यानी विपरीत मित्र, विपरीत घोड़ा, विपरीत मित्र, विपरीत घोड़ा, विपरीत वाहन, विपरीत यान और विपरीत सलाहकार और विपरीत पत्नी, ये मिल जाए उनका नाश सुनिश्चित मान के चलना। विपरीत घोड़ा मिल गया तो तुम सवारी करोगे वो गड्ढे में पटक के भाग जाएगा। विपरीत विमान खरीद के लाए, मित्र जा रहे थे माधोराव सिंधिया, यही आ रहे थे, यही कहां डूंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में डूंगरगढ़ की ओर, यहीं पर मेरे विमान नष्ट हो गया। विपरीत वाहन, आप बड़े मुस्कुरा के जा रहे थे, मालूम उसके ब्रेक फेल हो गए। विमान में चढ़ो पहले चेक करवाइए, वाहन में चढ़ो चेक कराइए। और विपरीत भोजन, नीति साहस कहता है, नीति साहस कहता है राजा महाराजा तुम समझदार हो, सीधा भोजन मुख में मत डालना, पहले उसको आग में डालना। वैद्य जी कहां गए, कोठारी जी, दादाजी आप इन सब संतरी मंत्रियों को समझाओ, कहीं जाके तुरंत पानी मत पी लो, तुरंत जाके कहीं भोजन मत कर लो, मालूम आपके जैन मुनि घर घर में जाके भोजन करते नहीं जाते, जहां विशुद्ध शुद्ध प्रासुक आहार है। और मित्र जहां प्रासुक है, निर्दोष है, ईर्ष्या संति से युक्त है, और जिसमें अवक्ष नहीं है, मर्यादा से युक्त है, और ज्ञानी शुक्ल श्रावक का घर है, वहीं चर्या करने जा रहे हैं। बोले क्यों, यदि राजा के भोजन में जहर मिला दिया तो राज्य का ही नाश हो जाएगा, और साधु के भोजन में मेरे मित्र अप्रासुक द्रव्य आ गया तो साधना का विनाश हो जाएगा। ऐसे नहीं लेते, पहले क्या करते भाई, बोल बेटा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार जल लास्ट में पूछते हैं, सबसे पहले तुम देने तो आए हो, ये तो बताओ तुम्हारा चित्त शुद्ध है कि नहीं। यदि आपकी धर्म पत्नी भी गुस्सा कर रही हो तो उसने कहना देवी तू थक गई होगी, बताओ कहां रखा, मैं उठा के खा लूंगा, उसके चूहा हाथ मत का, भोजन मत करना। जिस दिन मां जैसे प्रसन्न हो उस दिन पत्नी के हाथ का भोजन कर लेना, और जिस दिन बागिन जैसे दिख रही हो उस दिन मेरे मित्र अपने हाथ से बना के खा लेना, बुरा नहीं मानना। माताओं, जिन लोगों ने आपको पूरा जीवन दिया है उन बिचारों को दो रोटी के ग्रास भजन करके खिला दो तो क्या जाता है, दिन भर की भरी हुई, और जब बेचारा खाना खाने बैठता है तभी सुनाना बैठ जाती हो, आपने क्या किया क्या किया, अपनी मांग को मिटा डाला, ऐसा कोई बोल दिया उसका हार्ट अटैक हो गया, मांग किसकी मिटेगी। अपने सौभाग्य को जीवित रखना चाहते हो तो सासू को बेटों को प्रेम से ठीक नहीं कहा, जिसको अपना घर सुहावना देखना हो, जिसे अपना घर सुहावना देखना हो तो घर में अगरबत्ती की सुगंध फैलाने की जगह सुंदर शब्दों की सुगंध फैला दो।
क्या है वैद्य जी? पता नहीं आपको देख के क्यों ऐसा भाव आता, बाशल। बोले भयो वृद्ध, आप तो सबको सिखा दिया करो। भाई भोजन करो, भोजन करो, तो भोजन का स्वाद पहले मत देखो, अपने इधर नाड़ी पे हाथ रख लो। भोजन करने के पहले स्वाद भोजन का मत देखो, नाड़ी पे हाथ रख लो और सबको समझा दो, पित्त की चल रही की, कप की भड़क रही की, बात की भड़क रही है, और जो नाड़ी भड़के मेरे मित्र उसके अनुकूल भोजन करो, और प्रतिकूल करोगे तो फिर अपने हाथ से देख लेते तो मेरे घर में नहीं आते, आपने अपने हाथ से नहीं देखी तो फिर वैद्यों के घर में जाना पड़ेगा। बराबर। सूर्य चंद्र नाड़ी को देखकर, दो जगह नाड़ी है आपकी, एक ये नाड़ी है, एक ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, सूर्य सूर्य चंद्र सुर, और दोनों के बीच में सुषुम्ना। इन सुरों को देख करके जो भोजन करता है वो बीमार नहीं हो सकता है। और नाड़ी देख करके, सुरों को देख करके समय देखे, सुरों को देख करके समय देखे और नाड़ी देखे भोजन देखे तो कभी बीमार नहीं होगा। इसके साथ सुर भी देख लिए, नाड़ी भी देख लिए, सुर भी देख लिए, नाड़ी भी देख लिए, पर नारी का स्वभाव नहीं देखा तो बीमार हो जाओगे। परोसने वाले का स्वभाव भी देख लेना। इसलिए मालूम हम लोग तो क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते शांति से, हाँ भाई मन शुद्ध है कि नहीं? जिसका मन ही शुद्ध नहीं है उसके हाथ लगने से अन्न जहर हो जाएगा। तो मन शुद्ध करो पहले। वो मालूम कभी कभी मोदी जी कुछ लोग आते हैं, बोले छोड़ मुझे देने दे। मैं कि मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई, तू ठहर, पहले इस ग्रास को रख दे, पहले शांति पकड़ो, भगवान का नाम लो, मन विशुद्ध करो, अब दूसरा हाथ ग्रास लो। बोले क्यों? क्यों? एक रहस्य की बात बताता हूँ आपको बिराजो वैद्य जी, रहस्य है। जैसे कोई व्यक्ति आया, मोदी आप चौका लगा है, ठीक है, और सोनू आया आहार देने, उसने ग्रास ले लिया, अब कहता मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आज शुद्ध, पूरा थूक दिया ग्रास, अब काय की शुद्धि? अब शुद्धि काय की? बोले भाई अब वो ग्रास रख दे, फिर से हाथ धो, अब कुछ नहीं बोलो, अब आप ग्रास धो, अब विषय पकड़ना। हे मित्र, जिसके चित्त में अशुद्धि है, मैं आपको रहस्य क्या बता रहा हूं, ये साधु पुरुष मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में जीवन जीते हैं, आप भी तो जी सकते हो। काएं क्लेश करके थाली पे मत बैठो, काएं क्लेश करके थाली पे मत बैठो, मुस्कुरा करके आहार करोगे वो भोजन तुम्हारे शरीर में जाएगा तो रस बनेगा, वो सुंदर रस बनेगा तो रक्त बनेगा, रक्त बनेगा मेरे मित्र अस्थि मज्जा मेधा शुक्र बनेगा, शरीर में चमक आएगी, प्रणाम विशुद्ध होंगे तो तुम सिद्ध बनोगे। और आपने काय क्लेश करके, ऐसा भोजन स्वान का होता है, ऐसा भोजन स्वान का होता है क्योंकि उसके पास नियत रोटी नहीं होती है, वो चार से इकट्ठे हो गए, एक ही उठा के भागते हैं, डरपोक डरते डरते रोटी खाते हैं, उनका भोजन जहर बनता है। और मित्र आपके स्वाधीन हो, प्रसन्न हो के भोजन करते हो इसलिए खुश रहते हो, क्या जीवन के रहस्य, क्या जीवन के रहस्य। यदि भोजन, यदि भोजन, एक भैया कल आया बोले महाराज जी हमारे भोजनालय में जिन जिन ने भोजन किया सब बीमार हो गए। मैंने कहा मित्र अब तू हल्ला कर रहा, तेरी दुकान बंद हो जाएगी। बोले जिन जिन ने भोजन सब बीमार हो गए। ज्ञानी क्यों बीमार हुए? या तो अपथ्य का बना या अपथ्य का खाया, ब्राह्मण इसलिए तो बीमार हुए।
यदि भोजन विपरीत हो जाए, भोजन विपरीत हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाए, और भावना विपरीत हो जाए तो गति अस्वस्थ हो जाए। घोड़ा बिचक गया तो हाथ पैर टूट जाए, विमान से बिचक गया तो प्राणी चले जाए, ज्ञानी और नारी बिचक जाए तो पूरे परिवार का यश चला जाए। इसलिए इनको संभाल के रखो। किसको? बहान, यान, बहान, यान, नारी, मित्र, नारी, घोड़ा, प्रणाम, इन्हें संभाल के रखो, इन्हें संभाल के रखो। बिचकते मित्र को तुम कैसे संभालना चाहते हो? अब मित्र आइए, जैसे विपरीत मित्र मिल जाए तो पारस छोड़ देना चाहिए, बराबर छोड़ देना चाहिए। विपरीत मित्र मिल जाए तो पापड़ी बाल्टी छोड़ देना चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ, अब गुड़िस्तान है 14, गुड़िस्तान है 14, 14 के 14 गुड़िस्तानों में श्रोमणि गुड़िस्तान है 14वां। एक एक क्षण के जीव के परिणाम इतने विचित्र होते हैं, जैसे तुम्हारे द्वारे पर खुजला कुत्ता आ जाए तो तुम्हारा मन करता कब यहां से चला जाए। ठीक, तुम्हारे द्वारे पर कोई गंदा भिखारी आ जाए तुम्हारा मन करता है कब चला जाए। सुनते जाना, तुम्हारे द्वारे पर कोई मांगने वाले आ जाए, कितनी स्वच्छ हो तुम्हारा मन करता है कब चला जाए। ठहरो, इन सबको आप भगाना चाहते हो, अच्छी बात है, इन सबको आप भगाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन लेकिन क्या 24 घंटे में ये तुम्हारे भीतर नहीं आते? क्या 24 घंटे में तुम्हारे भीतर नहीं आते? जब जब यानी विषय विकार सताए, विषय विकार सताए, जैसे खुजले कुत्ते को तुम भगाना चाहते हो, ये खुजला मन तेरा हुआ है, ये खुजला चित्त है, खुजला चित्त है, उसे भगा दीजिए। जो मित्र जैसे आए वैसा पैसा मिल जाए, ऐसे प्रणाम चले तो गंदा भिखारी है, भगाइए। अब ओहो, अच्छे कपड़े पहन करके दुकान पे बाबूजी बैठने जा रहे हैं, अच्छे से कमा के आऊंगा, ऐसे प्रणाम आए तो पैंट सूट पहन करके तुम किसी घर पैसे मांगने गए हो, वे प्रणाम तुम्हारे। हे मित्र, सुबह से जागते ही जय जिनेन्द्र करने के प्रणाम आए, उसमें अपनी पीठ ठोक लेना, ये साधु पुरुष के प्रणाम है। जैसे मल को धोते हो, दुष्ट को भगाते हो, ऐसे ज्ञानी सुरेंद्र भाई मित्र जैसे मल को धोते हो, शत्रु को भगाते हो, ऐसे विश्वास मानिए, अपने जीवन से मिल लीजिए, अब मेरे से मत मिलो, अपने जीवन से मिल लीजिए। आपको अपने जीवन के परिणामों को भगाना पड़ेगा। यदि आपने अपने स्वयं के सभी परिणामों की मान ली, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलो कुछ आप लोग, यदि आपने अपने सभी परिणामों की मान ली, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ओ प्रकाश मोदी जी, ऐसे खोटे खोटे परिणाम जब आए थे ना, वे परिणाम किसी को बता दिए ना, लोग तुमको मित्र नहीं बनाएंगे।
जैसे जैसे खोटे चित्त में भाव आए हैं, उन सारे चित्त के भावों को हे मित्र अपनी पत्नी को मत बता देना, वो तुमको पति कहना बंद कर देगी। जो जो परिणाम तुम्हारे चित्त में आ चुके हैं कॉलेज से लेकर के आज तक, मैं सारे परिणाम अपने पुत्रों को कभी मत बता देना, मैं तुमको पिता नहीं कह पाएंगे। क्या गलत बोल रहा हूं? जिनके सामने पंडित जी आप जोशी बन के आए हो मित्र, उस सासू की बेटी को अपने पूर के प्रणाम बता मत देना। वो यूं कहेगी, तू पाखंडी जोशी है कि जोशी है? हे मित्र, हम वही बता पाते हैं, वही बता पाते हैं जब सबको सुहावने लगते। तो ऐसे ही अच्छे लोगों को जैसे अपने साथ रखते हो जोशी जी, ऐसे अच्छे भावों को अपने साथ रखो और सबको बाहर कर दो। ये भैया आज विषय है समभ्रूढ़ने का, आज विषय है समभ्रूढ़ने का। ये समभ्रूढ़ने जो है सात नियमों में, ये विषय समभ्रूढ़ने का। क्यों तीर्थंकरों ने इन नियमों की व्यवस्था की? जिससे बाह्य लोक भी व्यवस्थित रहे, अंतरंग लोक भी व्यवस्थित रहे। विराजो में आगे की बात करता हूं। बाह्य लोक भी व्यवस्थित रहे। प्रतीक बेटा, जितना सुंदर जीव होता है, ओहो, एक पानी के बाष्पित होने से ट्रेन भाग गई, पानी के बाष्पित होने से जेम्स वाट ने क्या किया बेटा? प्रतीक, जेम्स वाट ने क्या किया? ओह, एक बटलोई में भोजन पकाते समय बाष्पित होते ढक्कन के ऊपर उठते देख करके उन्होंने ऊर्जा को पकड़ लिया। जब पानी की बाष्प ढक्कन को फेंक सकती है तो शरीर की शक्ति की बाष्प इस आत्मा को सिद्धा लेते। मन करता बेटा प्रतीक, तुम जैसे युवा रौनक, जितने चाहे रायपुर के युवा हो, चाहे सिलवानी के हो, चाहे यानी देश के किसी भी जगह के हो, सारे युवाओं से कहना तुम समझो बेटा, ढलती अवस्था में क्या कर पाएंगे आप? साधु बनो श्रेष्ठ है, ना भी साधु बन पाओ तो इस प्रज्ञा का प्रयोग करो। आज मालूम हे मानव, तेरी प्रज्ञा इतनी उत्कृष्ट है, इसका 100वां अंश भी तुम प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। पढ़े लिखे युवा, दूसरे की बुद्धि को प्रणाम करें तो क्या तुम्हारा युवापन? दूसरे की बुद्धि को प्रणाम करें तो क्या तुम्हारा युवापन? जगत तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम करे, तुम्हारा युवापन श्रेष्ठ है। लेखन कला सीखो, वक्तृत्व कला सीखो, चिंतन कला सीखो और सारे विश्व को एक तीर्थंकर महावीर सिद्धार्थ का बेटा, एक इकलौता सिद्धार्थ का बेटा मालूम तुम शरद पंडित जी भगवान को भगवान कहकर के हमसे दूर कर देते हो। रहस्य की बात करूं, मेरे पास कोई भी आता है, यदि यही मोदी जी कोई दूसरी सभा में जाए ना तो इनको सिंहासन लगा के लोग बिठा दे, भैया प्रकाश मोदी आया। तो मालूम चला बेचारा जिनवाणी सुनने गया था, तुमने सिंहासन लगा करके उसको सिंहासन की अनुभूति प्रारंभ हो गई, जिनवाणी की अनुभूति नहीं आने दी। ओहो, विषय पकड़ना। लेकिन मोदी जी आपने देखा हो, आप कई जगह मेरे पास आए और बड़े बड़े नेता आए, मैंने उनको सबसे पहले बोला भैया, मालूम मैंने उनसे क्या बोला? भैया। और जैसे भैया बोला सो उन्हें अपनी औकात की योग्यता पता चल जाती है, भैया ना मैं प्रधानमंत्री हूं, ना मैं राष्ट्रपति हूं, ना कोई दूसरा हूं, मैं तो भैया हूं। और भैया सुनते ही अपना हो जाता है।
और धीरे से कहा, ये पद आपको प्राप्त हुए, ये पद आपको प्राप्त हुए, लेकिन पदों से आप नहीं हुए हो। ये पद आपको प्राप्त हुए, पदों से आप नहीं हुए हो। आप तो वही हो जो हो सो हो। प्राप्त पद को पा करके अहो रोटी तू मत मुस्कुरा कि तू चमक रही है, अहो रोटी तू मत मुस्कुरा चमक रही है, चमक दूसरे की है तू तू फीकी है, चमक घी की है न कि तेरी है। रोटी पर चमक किसकी, रोटी पर चमक किसकी, घी की। ऐसे मित्र तुम्हारे चेहरे पर प्रदीप चमक किसकी, जो तेल लगा के आए हो। चमक किसकी, जो कोई क्रीम लगा के घूम रहा है, कोई तेल लगा के घूम रहा है। वासुदेव बन जाए व्यक्ति, वे बिरले लोग हैं। बिना क्रीम पाउडर लगाए चमके वो वासुदेव का चेहरा है। लेकिन ज्ञानियों, नाटक में जो चमके चेहरा दिखते ना, वो नाटक के बाद देख मत लेना उनका चेहरा। जो नाटक में चेहरे बना के आते ना, उनके इतने विकृत चेहरे हो जाते हैं, जितने सज के आते हैं, जितने सज के आते हैं, कहीं पानी गिर जाए ना तो मालूम वो जंगल का राजा गीदड़ दिख जाता है। मैं बताता हूं, बैठ जाओ सब। टोनी एक जगह क्या हुआ बेटा, एक धोबी अपनी जाति वंश को कभी छुपाना नहीं, एक धोबी अपने कपड़ों को रंग रहा था, नील दे रहा था नील। अचानक उसका जो बर्तन रखा था बहुत चौड़ा, जैसे गया में फल्गु नदी में वो लोग कपड़े धोते वहीं नील लगा देते हैं, ऐसे बहुत बड़ा स्थान था, उसमें नील डाल दिए। एक गीदड़ दौड़ते दौड़ते अचानक उसमें गिर गया, और जैसे गिरता है उसके पूरे शरीर के बाल चमकने लगे, रंग गए। अब तो जैसे जंगल में गया उसको देख रहे लोग, देख रहे थे। कुछ लोग तो इतनी नील लगाते, इतनी नील लगाते हैं कि जैसे नील गाय आ गई हो। ओहो, जब देखा तो उन सब ने कहा, भाई बोले तुमको मालूम नहीं है मैं जंगल का राजा हूं, देखो मेरा शरीर। तो उसकी चमक देखकर बेचारा शेर भी बेचारा हाथ जोड़ के बैठ गया, और गद्दी पे कौन बैठ गया, गीदड़। चूहा भकने वाला राजा की गद्दी संभाल ली उसने, गीदड़ राजा हो गए। अब सब पर अधिकार किसका, गीदड़ राजा का। मित्र, किसी के कपड़ों की चमक और बाहरी चमक देख करके राजा बना लोगे तो गीदड़ तुम्हारा राजा हो जाएगा। ओहो, एक दिन मालूम प्रकाश भैया क्या हुआ, गीदड़ राजा सभा में ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे, और शेर जंगल का राजा ऐसे पंजा ऐसे जोड़े बैठा, सब सभा लगी हुई थी। इसी बीच में अचानक बादल हुए, थोड़ी गड़हाट, थोड़ी चमक और मूसलाधार पानी, और जैसे पानी गिरा पूरी नील धुल गई, और गीदड़ राजा की चमक गई, और शेर ने दहाड़ मारी, गीदड़ भाग गया। बोले ये राजा। ज्ञानियों, जैसे नील के टब में गिरे गीदड़ की चमक तब तक ही है जब तक मूसलाधार पानी नहीं गिरता है, ऐसे बनावटी लोगों की चमक तभी तक होती है जब तक कोई विशेष पुण्यात्मा जीव सामने नहीं आता। इसलिए बेटा, इस चमक को देख के मत जीना, जो अंदर में देव सागुरु की भक्ति है उस चमक को देख के मुस्कुराना। यदि कोई भी युवा अपने घर के दर्पण में चेहरा देख रहा है, वो चेहरे को देख करके बेटा मत मुस्कुराना, मत मुस्कुराना, ये चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। क्या तुम सुंदर हो, क्या तुम सुंदर हो, कामदेव भी मर गया, कामदेव भी मर गया, क्या तुम सुंदर हो। दर्पण में देख करके अपने चेहरे की चमक से मत खुश हो, भीतर झांक के देखो, देव सागुरु की चमक तुम्हारे अंदर है तो मुस्कुरा लेना।
धर्म की श्रद्धा की चमक है तो मुस्कुराए ना, और यदि अंदर में मेरे मित्र बाहर चेहरा चमक रहा है वो अंदर में शील भाव नहीं है तो मेरे मित्र चेहरे के चमक काम में नहीं आएगी। बिराजो क्षमा करने इतनी देर खड़ा कर दिया, पर सत्य यही है बालक, युवा अवस्था मिली है। ऐसा आप लोग को नहीं लगता प्रिय कि संतुष्ट हो गया? कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने पिताजी से पूछना, बोले पढ़ाई तब तक जब तक शादी ना हो जाए। कुछ लोग तो इसलिए पढ़ाई करते हैं, और शादी हो गई कुछ कमाने लगे बस सब जीवन चलेगा, जीवन में संतुष्टि विकास रुक गया। क्या शादी के बाद आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर राजस्थान,